हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम चैप्टर लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो आज के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जैसा कि नाम से पता लगता है, ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनिक और मेटालिक, मेटल और ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक है इसमें। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनाइल्स, कार्बोनाइल का मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ जुड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, है ना। ये लिगेंड जब मेटल से जुड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ता है और ये बहुत तरह के कंपाउंड बनाता है, तो इसको स्पेशली अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसलिए मेटल कार्बोनाइल भी पढ़ेंगे, उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, क्यों होता है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या रीजन है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है ये मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को ही बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। ये इंग्लिश का वर्ड है, नथिंग स्पेशल इन दिस। इसका मतलब होता है एक गोल के लिए दो आदमी जब इकट्ठा काम करते हैं उसको सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है ना, हम एक हाथ पकड़ लेते हैं किसी आदमी का मजबूती से, फिर दूसरा हाथ भी उसका ऐसे मजबूती से क्रॉस में पकड़ लेते हैं और फिर उसको मान लो खींच रहे हैं अपनी तरफ, है ना। कोई नीचे गिर रहा हो या कोई किसी को दीवार से ऊपर लेना हो तो हम ऐसे करके दोनों हाथों को क्रॉस करके ऐसे उसको खींचते हैं। तो एक गोल के लिए, एक गोल एक ही है कि बच्चे को ऊपर खींचना जो भी है ना, लेकिन दोनों हाथों से, एक ही साथ से, एक ही साथ से दोनों हाथों से ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सिनर्जिक इफेक्ट वही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है कार्बन नाइट्रोसाइल्स, NO पॉजिटिव भी जुड़ता है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इनका आपस में कंपटीशन ही रहता है, NO पॉजिटिव वैसे स्ट्रॉन्गर देन CO होता है। नेक्स्ट देखिए मेटल फॉस्फीन्स, PH3 जुड़ेगा मेटल के साथ में। एल्कीन्स, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो मेटल के साथ जुड़ेगा। रूल दैट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं, कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल रहते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल है और EAN रूल है, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये दोनों रूल एप्लीकेबल भी हैं, कई जगह पर फेल भी हो जाते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, नो वरी अबाउट दिस, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ऐसे ही बस नाम बदल रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास को, तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो देखो भाई सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर That contain carbon metal bond, बस सीधी सी बात है, एक ही लाइन है, कार्बन मेटल बॉन्ड डायरेक्टली, सीधा सीधा कार्बन और मेटल का अगर बॉन्ड मिलता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं, पहली बात। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जिसमें लिथियम के साथ में मेटल का बॉन्ड बने, जैसा कि CH3 कार्बन सीधा लिथियम से जुड़ा हुआ है, RLi भी बोलते हैं, R का मतलब कार्बन की चेन है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Now, yes. In which the carbon acquires partial negative charge. कार्बन पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है एंड द लिथियम एक्वायर्स पार्शियली पॉजिटिव, लिथियम पर पॉजिटिव, क्यों भाई, मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है स्लाइटली पॉजिटिव है और कार्बन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हालांकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 है लेकिन फिर भी ये है तो नॉन मेटल, सो इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेटल लिथियम को डोनेट कर रहा है स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसका डायग्राम दिखा रहा है, सिंपल, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ खास है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला था कार्बन मेटल बॉन्ड होना चाहिए, CH3 और लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम, देखो ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, RLi के नाम से इसे पढ़ा जाता है, ना कि LIR, ठीक है, और ये बहुत यूज होता है, एज ए रिएजेंट भी यूज होता है कई जगह पर, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में जैसे मास्टर कोर्सेज के अंदर इसका पूरा चैप्टर है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का अलग से है, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड का अलग से है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इस तरह के, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर हैं सभी, MSc प्रीवियस में आता है, ऑर्गेनिक में फाइनल में, MSc फाइनल में ऑर्गेनिक में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, वो RMgX होता है, ठीक है, ये शायद प्लस वन में आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा yes, तो दिक्कत नहीं है। R मतलब कार्बन की चेन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक तो कार्बन के साथ बना ली, दूसरी किसके साथ बनेगा, हेलोजन के साथ, X स्टैंड फॉर हेलोजन, जिससे यहाँ क्या होता है, हेलोजन जो है वो क्या करता है भाई, हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्लाइटली नेगेटिव ये हो जाएगा और कार्बन भी स्लाइटली नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम जो है वो 2 स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, 2 स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये एक्चुअल में 2 नहीं होता, क्यों, क्योंकि इस पे जो नेगेटिव है और इस पे जो नेगेटिव है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हम स्लाइटली, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव ही लिखते हैं, हालांकि ये इन दोनों का टोटल होगा, दोनों नेगेटिव का टोटल यहाँ पर दोनों का स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है,
दैट इज, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी क्या है, इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, याद रख लेना बहुत काम आएगा ये, सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कुछ मंत्र नहीं पढ़ने, कोई कहानी नहीं है इसकी, सीधा सीधा RMGX है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और बहुत सारी प्रिपरेशन में काम आने वाला है आपके प्लस टू के अंदर जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लेसन में काम आएगा, हर लेसन में ही आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, मेटल कार्बोनाइल, तो ये अब आपको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का पता लग गया होगा, क्या होते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, क्लियर है? यस सर, बस इतना डिस्क्रिप्शन है, इसमें आगे पढ़ेंगे बाकी सब इसमें। तो मेटल कार्बोनाइल, मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे कैसे क्या काम करता है। FeCO5 TBP स्ट्रक्चर बनाता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर आता है सभी को, आयरन पांच CO जोड़ेगा, CO CO CO, और याद रख लेना ये पॉइजनस होता है भाई, पॉइजनस, काफी पॉइजनस होता है, हालांकि यही एक ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर है जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनाता है, बाकी के एक दो स्ट्रक्चर्स और हैं जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनाते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा फेमस भी नहीं और स्टेबल भी नहीं, ये फेमस भी है स्टेबल भी और पॉइजनस भी है। वेट अ मोमेंट गाइस, एक मिनट रुक दी, तो भाई चलो आप लोगों को एक खुशखबरी सुना देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके लड़का हुआ है, वो मिठाई देने के लिए मेरे पास आ रहा है, ठीक है, उसी का कॉल था अभी। ओके, तो मिठाई खाना चाहोगे क्या? सर कोरियर कर दो। सर किसने? कोरियर कर दें या ऑनलाइन ही भेज देते हैं ना? यस सर, मैं दे दूंगा आपके सामने, आप लोग ऑनलाइन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना, क्लास होती तो शायद हम पक्के तौर पर सबको मिठाई बंटवाते हैं ना, लेकिन यहाँ क्लास नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, तो डेफिनेटली हम मिठाई भेज नहीं सकते ना बेटा, कुछ कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है, सब तरह की चीजें चलती है ना। चलिए हम कहाँ थे, सीओ, ये देखिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा, पॉइजनस इन नेचर होता है, ध्यान रख लेना, यही वन एंड ओनली एग्जाम्पल है, इसके अलावा वाले एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बस इसी बात है, बट फेमस नहीं है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर विच इज आयरन इज DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, उसमें DSP3 मिलेगा आपको, SP3D या DSP3 दोनों ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ी है, कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इनका सिंपल होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ये वाली जो बात लिखी है बहुत अच्छी है, सिंपल होता है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग सिंपल नहीं होती, कार्बोनाइल की मेटल के साथ बॉन्डिंग सिंपल बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, अभी आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, बट अभी अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, साथ की साथ कीजिएगा, नोटबुक और पेन पकड़ लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ, जो चीज जहां पर बच्चों को टिपिकल लगती है मैं उस पर बहुत स्पेशली ध्यान देता हूँ, मेरी एक आदत रही है, याद रख लेना और सुन भी लेना, और वो आप लोग देखोगे भी कि हाँ सर शायद ऐसा करते हैं, जो आसान चीज होती है मैं उसको ऐसे ही टपा देता हूँ, मतलब बताया हल्का सा और टपा दिया, मुझे पता है बच्चे कर लेंगे आसानी से, जो मुश्किल चीज होती है मैं उस पर बहुत टाइम लगाता हूँ, बहुत टाइम और बहुत गौर से टाइम लगाता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ वो चीज, जितना भी टाइम लग जाए, चाहे पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं होती है, लेकिन वो चीज आनी चाहिए बच्चों को, और ये चीज भी वैसी ही है, बच्चों को मुश्किल लगती है, बाद में माइंड से स्लिप हो जाती है, लेकिन अभी अगर मेरे साथ कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा आप जरा, तो क्या था, हाँ मेटल कार्बोनाइल सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, मेटल कार्बोनाइल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनिंग मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, इसमें भी मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, नो डाउट टू इट, ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मेटल का कार्बन के साथ ही बॉन्ड होता है, हालांकि देखो ये हम दिखा रहे हैं सीओ, ऐसे दिखा रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे दिखाना चाहिए सीओ, अब ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है, तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है, तो इसलिए सीओ को ऐसे ही दिखा देते हैं, यहाँ तो कार्बन के साथ सीधा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ थोड़ा उल्टा लग रहा है, बट आपको इमेजिन करना है जिस भी जगह पर जैसा भी दिखाया गया वो कन्वीनियंस के हिसाब से शो है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा 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 क्या होता है,
कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो जिसके साथ बॉन्ड बनाए ना जो भी एटम, उसके साथ आपको वो बॉन्ड याद होना चाहिए कि ये इसके साथ बनाता है, लिखो कैसे भी। लेकिन मैं ट्राई ये करता हूँ स्टूडेंट्स को ये भी समझाता हूँ कि भाई कोशिश किया कीजिए जो जिसके साथ जुड़ा ना उसी के साथ बॉन्डिंग दिखाइए, इससे आपकी आदत अच्छी बन जाएगी। तो सीओ को उल्टा भी दिखा सकते हैं, नो डाउट भी, ठीक है, आदत भी अच्छी बन जाएगी और याद भी रहेगा, दोनों चीजों का फायदा है। नेक्स्ट देखिए, द NiCO4 मेटल कार्बोनाइल हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, निकल sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो एक और एग्जांपल दिया इसने, NiCO4 का निकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और ये sp3 होता है। क्रोमियम के साथ में कार्बन, यस बेटा सर, ये निकल कार जो CO लगा है ये तो सर पेयरिंग करा देगा, तो dsp2 नहीं होना चाहिए, sp3 कैसे है ये निकाल के देखते हैं, एक मिनट रुकिए, ठीक है पहले मैं ये खत्म कर लूं फिर बताता हूं। देखिए अब क्या था, आपने, अब मैंने बोला था कि इसका एक ही एग्जांपल है ये वाला CO वाला ना, मैंने ये बोला था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एक ही एग्जांपल है, याद रख लेना। यहाँ नीचे वाले एग्जांपल देख के उनसे कंफ्यूज मत होना कि ये ट्राइगोनल, सर ने एक ही एग्जांपल बताया था और वही फेमस है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP का एक ही स्ट्रक्चर है, उसके अलावा एक एग्जांपल है जो फेमस है, उसके अलावा बाकियों के तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्रोमियम CO6 ऑक्टाहेड्रल बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब लो स्पिन आपको समझ में आ गया होगा, अभी प्रणव ने जो पूछा उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। निकल, निकल की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर कितनी है सबसे पहले तो ये बताओ। सर जीरो है। जीरो है। और एक चीज खास बात बताता हूँ आपको, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर मेटल जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में जुड़ता, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट नोट कर लेना, कहां कहीं पर भी नोट करो, यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। देखो जो बहुत सारे पॉइंट पढ़ाते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या याद रखें और क्या ना याद रखें, वो रीड कर लेते हैं जनरल पॉइंट्स लेकिन लर्न नहीं रख पाते। तो इसका तरीका यही है कि जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए, उसको रट लीजिए या उसको पढ़ लीजिए, है ना, ये आपकी चॉइस। हालांकि जब भी आएगा मैं उसको इंपॉर्टेंटली मार्क कर दूंगा जहां पर भी आएगा, ठीक है। एक मिनट, बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। सर मिठाई खाने गए। मिठाई हो सकते हैं।
लो भाई आज घर पे कोई नहीं है, मुझे नीचे से दरवाजा खोलना पड़ा, इसी वजह से लेट हो गए। हेलो गाइस, यही है बेटा आप सभी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम कहां थे? मेटल कार्बोनाइल, हाँ निकिल का कुछ कर रहे थे ना, निकिल सर। हो गया ऑलरेडी डाउट क्लियर, वो एस वाले इलेक्ट्रॉन का थीटा नहीं किया था मैंने। हो गया क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है ओके, बना के देखो अपने आप हो जाता है, याद रखना कोई भी ऐसी कंफ्यूजन आए बना के देखिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, भरिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, sp3 आएगा क्या आएगा, है ना? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, अब मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग की बात करते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड है, बाकी सबको भी क्लियर है ना भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड हैव सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, तो मेटल और कार्बन दोनों के अंदर, मेटल कार्बन बॉन्ड के अंदर सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मेटल के साथ में कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, दो बार, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। कैसे होता है वो सब कुछ करेंगे। इट फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड एज बोथ आर मेटल एंड CO आर न्यूट्रल। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, है ना? सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। अब ये चीज देखना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है? अब मेटल के डी ऑर्बिटल में सीधी सी बात है भाई, सबसे पहली बात, मेटल जो है उसके अंदर डी ऑर्बिटल ही होता है ना खाली, जिसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये तो सबको पता है। यस सर। डी ऑर्बिटल के चार लोब होते हैं, ये भी सबको पता है। यस सर। ये जो चार मैंने पंखुड़ियां बनाई हैं, ये चारों की चारों एक ही ऑर्बिटल है, ये याद रख लेना, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। ये चारों एक ही, मतलब एक ही ऑर्बिटल है। अब होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अब जरा हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा यहाँ साइड में डायग्राम बना लेते हैं, CO का, ठीक है, इसी के साइड में यही बनाते हैं। CO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर होता है लोन पेयर, मतलब दो वैलेंसी खाली है कार्बन की, और यहाँ ऑक्सीजन के पास में है दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? किसी बच्चे ने एक बार बीच में पूछा था मुझसे कि सर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करता है, जबकि कार्बन को डोनेट करना चाहिए, ऑक्सीजन ऐसा क्यों करता है जबकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? याद है उस दिन क्लास में थे आप लोग? Yes, sir. है ना, तो उसका मैंने पूरा रीजन एक्सप्लेन करा था, उसी को मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली इसी को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बेशक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट कार्बन क्या है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, दो वैलेंसियां इसकी खाली हैं, और ये दो वैलेंसी खाली का मतलब ही ये है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होगा। ये मैंने आपको बताया था, एक वैलेंसी किसी की खाली हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो देखो पहले तो बेचारे की एक वैलेंसी खाली थी, डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब उस पर डबल इफेक्ट हो गया। इसकी बजाय अगर वो ले ले इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी जो खाली थी वो तो पेयर्ड हो जाएगा, है ना? अगर वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो पेयर बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। बेशक नेगेटिव चार्ज आ गया, बट एक तरफ से तो सेटिस्फाइड हो गया ना, पेयर तो बन गया ना बेचारे का, मतलब उसका दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर तो पूरा हो गया। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री वैलेंसी वाला जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, डोनेटिंग नहीं होता। ये बात क्लियर है? यस सर। यहां पर दो-दो इलेक्ट्रॉन फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग-अलग ऑर्बिटल में, सिंगल में भी हो सकते हैं, बट दोनों को पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वैलेंसियां हैं दो कार्बन की, चार वैलेंसी होती है, दो खाली पड़ी है, तो अगर दो खाली वैलेंसी पड़ी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होगा, ताकि कम से कम पेयरिंग तो हो जाए बजाय की डोनेटिंग के। तो ये एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन से लोन पेयर को, ठीक है? तो यहां पर ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर थे, तो ऑक्सीजन से लोन पेयर को कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक्सेप्ट करेगा, और इससे क्या होगा, अब जरा देखिए, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है? इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन के पास में पड़ा है। यस, ये डायग्राम सबको क्लियर है? क्लियर। क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो हरकत तो अपनी छोड़ेगा नहीं, बेशक उसने जबरदस्ती करके कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों? दो रीजन होते हैं, पहला रीजन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, दूसरा एक और रीजन, इनके ऑर्बिटल इतने पास होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के, यहां दिख रहा है ना मैं ऐसे करके दूर से लेके जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्बिटल बिल्कुल पास होते हैं,
आपस में घुसे हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर कार्बन की तरफ चला जाता है और कार्बन खींचने के लिए तैयार ही बैठा होता है। बट ऑक्सीजन सबसे निकम्मा एलिमेंट है, आप ऑर्गेनिक में देखोगे इसे, सबसे निकम्मा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी अगर डबल बॉन्ड भी बना लेना ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ में, तो एक बॉन्ड छीन लेता है। यहां तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रही है और वो भी खुद इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये तो डबल में नहीं बख्शता। कैसे देखिए जरा, मान लीजिए हम नॉर्मल इस तरह का कुछ कीटोन बना लेते हैं ना, यहाँ आर लग गया, यहाँ भी आर लग गया, कीटोन में भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड छीन लेगा। ये है ऑक्सीजन की सबसे निकम्मी हरकत, की वो डबल बॉन्ड बना तो लेता है बट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो एक बॉन्ड को वापस छीन लेता, फिर डोनेट कर देता, फिर छीन लेता, और ये रेजोनेंस हमेशा चलता रहता है। ये ऑक्सीजन की सबसे गलत वाली बात कह लो, सबसे निकम्मापन कह लो, कि वो कभी भी टिकता नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन गैस बिजनेस माइंडेड है, आप कुछ भी कह सकते हो बेटा, इसलिए उसे रिएक्टिव गैस माना जाता है। और वो डबल बॉन्ड जिसके साथ भी बनाता है उससे एक बॉन्ड छीन लेता है, और यहाँ इस केस में देखें तो ये तो तीसरा बॉन्ड ही डोनेट कर रहा है। महाभारत वाला काम हो गया ना, बहुत तगड़े लेवल वाली दुश्मनी होगी। तो तीसरा बॉन्ड डोनेट करने के बाद आपको क्या लगता है, टिकने वाला है ये? नहीं सर। तो ये अब पक्के तौर पर वापस बॉन्ड तो लेगा ही लेगा, ये वापस ले लेगा बॉन्ड को, और वापस लेगा तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं ना, वापस ले लेगा अगर बॉन्ड को तो पहले वाली कंडीशन फिर से आ गई ऊपर वाली, है ना। और ये सीन इनके अंदर चलता रहता है, ये रेजोनेंस कार्बन मोनोऑक्साइड में चलता रहता है। और जब, अब ध्यान देना जरा, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी दूसरे मेटल को नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों? ऑक्सीजन किसी को देने के लिए तैयार नहीं, कार्बन जबरदस्ती छीनता है। बेटा माइक ऑफ करो अपना, ठीक है। देखिए कार्बन उससे जबरदस्ती छीनता है, ऑक्सीजन नहीं देगा किसी दूसरे मेटल को, बट कार्बन उससे ले लेता है, और कार्बन ने ले लिया तो ऑक्सीजन वापस ले लेगा। मतलब ऑक्सीजन किसी भी केस में दो लोन पेयर होते हुए भी, जब भी इस पे दो लोन पेयर हो जाएंगे तब भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो करेगा कौन? कार्बन ही जुड़ सकता है मेटल से, ऑक्सीजन नहीं जुड़ने वाला। ये बात समझ को समझ में आ गई? यस यस ठीक है। इसको मेरे साथ साथ बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत से बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। तो अब क्या होगा, यानी कार्बन अपना लोन पेयर अगर मेटल को आती है तो वो मेटल को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कार्बन ही मेटल को डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर, क्लियर है। तो अब वो कैसे करेगा, अब हम उसको देख सकते हैं। तो यहां पर मैं उसको बना रहा हूं जो इन्होंने बना रखा ना डायग्राम, कुछ वैसा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या सर, वो करेगा क्यों, उसकी तो पहले से ही वैलेंसी पूरी नहीं है। किसकी? कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी कैसे नहीं पूरी? देखो ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर, नहीं सर, जब ऑक्सीजन वापस छीन लेगा। हाँ लेकिन वापस फिर से भी तो देगा ऑक्सीजन, तो देखो देगा नहीं किसी मतलब भी, बट वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन को कभी डोनेट कर रहा है ले रहा, कभी डोनेट कर रहा है ले रहा, मतलब पार्शियली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो हमेशा रहेगा। वो इतना फास्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव परमानेंट है। यस क्लियर है? यस सर। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो कार्बन, क्योंकि कोई भी एटम है, चाहे कार्बन है एनीवन एल्स, अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज को नहीं रखना चाहता। और कार्बन की मुसीबत ये है कि उसके दो दो वैलेंसी खाली है, ऑक्सीजन से उसे लेना पड़ रहा है। तो अगर वो, और ऊपर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन इसके साथ धोखा कर रहा है, वापस ले रहा है। तो अगर ये किसी और को डोनेट कर दे, और को डोनेट कर दे, तो क्या होगा, कार्बन का नेगेटिव चला जाएगा परमानेंटली। बट प्रॉब्लम ये कि फिर ऑक्सीजन बहुत जबरदस्त वाला काम करेगी, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगी, जिससे कार्बन फिर किसी दूसरे से वापस ले लेगा। यही प्रॉब्लम है। लेकिन आपने जो बोला वो केस कुछ हद तक ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि कार्बन जो है ऑक्सीजन से वापस ले रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी कारण से ये वीक डोनर होता है बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO, इससे स्ट्रॉन्ग एनो पॉजिटिव होता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट वीक डोनर, डोनेट बहुत मुश्किल से करता है। क्यों भाई? ऑक्सीजन वापस ले लेता है इससे, इसलिए डोनेट करने में टाइम लगाता है, डोनेट करेगा मुश्किल से। यस क्लियर है? यस सर। है ना, तो डोनेट करता है लेकिन मुश्किल से करता है। तो अब हम उसकी मुश्किल वाली चीज को ध्यान में रखिए, बट डोनेट तो हम करवाएंगे उससे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो यहां पर हमारे पास एक लोन पेयर हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तभी वो डोनेट करेगा। और एक लोन पेयर इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये एक लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन के पास में। फर्दर ऑन अब देखिए इसने क्या किया, ये जो लोन पेयर है यहां पर, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, याद रख लेना, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में ये जो लोन पेयर यहां इन्होंने दिखा रखा है दो इलेक्ट्रॉन से, ये मेटल के
डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर मेटल का जो या जो भी खाली वैकेंट ऑर्बिटल होगा ये उसको वहां डोनेट कर देगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहां देखो इसने क्या दिखाया, नॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO का मतलब नॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, लोन पेयर, दैट इज लोन पेयर। क्लियर है? अब हम इसको लोन पेयर बोलेंगे, लोन पेयर मतलब ये पेयर में है डेफिनेटली और अकेला है, लोन पेयर। क्लियर है भाई? इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं बनाते, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, लोन पेयर। यस, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इस तरह से इसमें इसने डोनेट किया और पहला बॉन्ड बन गया मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, यानी कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप और मेटल के बीच में। अब पहला बॉन्ड बन गया और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, ये सबको पता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है हमेशा। यस सर। पहला बॉन्ड बन गया, पहला सिग्मा बन गया। अब होता क्या है, अब आएगी दूसरे लेवल की प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर इसमें डायग्रामेटिकली नहीं दिखा रही, तो मैं आपको वो यहां शो करने वाला हूं दूसरे लेवल की प्रॉब्लम क्या आने वाली है। ये देखिए जरा, यहां पर मान लीजिए मेटल का एक ऑर्बिटल था और इसने कार्बन के एक ऑर्बिटल ने क्या किया, यहाँ ये हमारे पास कार्बन का ऑर्बिटल है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर आ गए। ठीक है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, है ना, ताकि ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सके। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, जो शेयर थे ना, एक शेयर कर लिया और एक क्या किया, अपने पास रख लिया, एक मेटल को दे दिया। आप यूं भी दिखा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, बीच में भी दिखा सकते हैं क्योंकि शेयरिंग को बीच में ही दिखाया जाता है। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। यहाँ बॉन्ड इसका नेगेटिव चला गया, क्यों? अब ध्यान देना है, कार्बन का नेगेटिव चला गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इधर चला गया, है ना। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये अब ये भला थोड़ा, ऑक्सीजन तो वैसे भी किसी के साथ भला नहीं है, ये तो किसी को नहीं बख्शता, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस लेगा ही लेगा, एक लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अब ले रहा वापस। अब ये अगर वापस लेगा तो क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर अगर पड़ा है, ये बॉन्ड ही उसके साथ बना था कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके डी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर पड़ा हो, क्यों, उसे कैसे पता लगता है, वो पहले डोनेट कर देता, बड़ा मुश्किल से डोनेट करता कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब उसको मिल रहा होता है ना इलेक्ट्रॉन, तब तो वो डोनेशन वाला डबल बॉन्ड बना लेता है। अगर उसे वापस नहीं मिला कार्बन को इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दिया, वापस नहीं मिला ना, तो वो फिर से ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और यहां से वापस छीन लेता है अपने बॉन्ड को। समझ में आ गया सर? इसका मतलब स्कैंडियम के साथ नहीं बनाएगा? क्या 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 सर, इसका मतलब स्कैंडियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा? स्कैंडियम के साथ नहीं, स्कैंडियम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कुछ करेगा नहीं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में तो नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो डी में खाली हो गया ना, तो जहां डी खाली मिलेगा तो मेटल क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब डी में इलेक्ट्रॉन्स है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो डी के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बना चुके होंगे, वो होंगे ही, है ना। इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड तभी बनाएंगे जब वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है मेटल। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तरह जिंदगी जीने, हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है यहाँ से, तो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब कार्बन के साथ भयंकर वाला काम हो जाएगा, देखो जरा कैसे भयंकर वाला काम होगा, सोचना इसकी कंडीशन सोचना जरा। ठीक है, इसकी कंडीशन से पहले हम ये डी ऑर्बिटल बना लेते हैं मेटल के, और इस डी ऑर्बिटल के अंदर मैं दो इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन चार लोग में कहीं नहीं दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? यस सर। है ना, चार लोग हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये तो शेयर्ड थे, ये कार्बन है। अब देखो कार्बन ने बना लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, डबल बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर छीन लिया, एक बॉन्ड छीन लिया, तो ऑक्सीजन के तो दोनों लोन पेयर हो गए पूरे, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है, दुनियादारी भाड़ में जाए, है ना। बट कार्बन की प्रॉब्लम देखो जरा, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बेचारे ने, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तीन बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज के साथ, कार्बोकैटायन बन गया, या तो ऑक्सीजन से वापस ले, लेकिन ऑक्सीजन तो परमानेंट नहीं देने वाला इसे, है ना, वो तो परमानेंट देगा नहीं, इसे हल्का सा सेटिस्फाइड कर सकता है बट परमानेंट नहीं देगा। तो ये अब क्या करेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये लो, ये खाली पड़ा होता है, तो
तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शेयर्ड हो जाता है। ये समझ में आ गया भाई? सर लेकिन एंटी बॉन्डिंग की तो एनर्जी ज्यादा होती है ना, वो अनस्टेबल कर देगा। भले ही एंटी बॉन्डिंग होता है ना, लेट मी चेक दिस, पाई स्टार, यस एंटी बॉन्डिंग होता है बेटा, ठीक है, पाई स्टार, ये पाई स्टार ऑर्बिटल होता है इसका। यहाँ पर पाई बॉन्ड तो बना चुका है, इसके साथ में एक सिग्मा है, एक पाई है कार्बन का, है ना। और चलो मैं इनको अलग कलर से मेंशन करता हूँ ताकि आपको नजर आए ये, ठीक है, एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। अब यहाँ पर पाई स्टार, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, बेशक इसकी एनर्जी जो है वो हाई है, लेकिन कार्बन पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी इतनी हाई होती है कि अगर वो बॉन्ड बना ले तो उसकी एनर्जी कम से कम डाउन ही जाएगी, हाई नहीं जाएगी, इसलिए पक्का बनाएगा वो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि इस मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करना पड़ा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया इसका, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहा, ठीक है। तो इस तरह से मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पहले कार्बन ने डोनेट किया था, अब मेटल ने कर दिया, तो दोनों ने क्या किया। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे दिखाना चाहूं, यहाँ इन ऑर्बिटल्स के अंदर शेयर ना करवाएं हम, थोड़ा आपको बेटर व्यू मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये कार्बन ने डोनेट किया था, फिर वापस मेटल ने डोनेट कर दिया। अब अगर मेटल डोनेट कर देगा तो क्या होगा, कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. जो ऊपर और नीचे मैंने ये चीज दिखा रखी है, ये वाली ग्रीन और रेड वाली ये लाइनें जो बना रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड है भाई, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड है आपका, ठीक है, पर पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ बना रहा, तो डोंट बी कंफ्यूज। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? तो देखो अब इसको सिंपल करके बनाएं, तो ये मेटल है जी, yes, और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर के साथ में ऑक्सीजन है, और कार्बन क्या करेगा, पहला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, बन गया मेटल के साथ, दूसरा अब इसने डोनेट किया था, दूसरा मेटल इसको डोनेट करेगा और ये बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये होगा किसमें, पाई स्टार में। तो इस तरह से मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए दूसरा बॉन्ड बना, इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। दोनों का एक ही गोल है, दो काम हुए, दोनों का एक ही गोल है कि इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए, स्टेबिलिटी को गेन करें। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग विद मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन कैसे काम करते हैं, और याद रखना पाई स्टार ऑर्बिटल को रट्टा मारना है, ठीक है, ये समझ नहीं आएगा कि आप सोचो कि मैं अपने आप कर लूंगा पाई स्टार, ये समझ में आ जाएगा कि पहले कार्बन ने डोनेट किया, फिर मेटल उसको वापस डोनेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे छीन लेता है, ये सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो पाई स्टार में जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है ना सबको ये? तो ये वाले डायग्राम, सारे के सारे डायग्राम आपको अब याद होने चाहिए, दैट इज ऑल, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं हम, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, रीडिंग से आपको थोड़ा आइडिया, बेटर आइडिया हो जाएगा, बट याद करने वाली चीज मैंने आपको बना दिया। मेटल पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड डी ऑर्बिटल टू द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में, ये वाला पाई बॉन्ड की बात कर रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये दोनों, ठीक है, ये दो दिखाई दे रहे हैं, ये दो लोब है एक ही बॉन्ड के, याद रखना, और पाई स्टार के साथ में मेटल का, ये है डी ऑर्बिटल, ये वाला, ये है मेटल का डी ऑर्बिटल, ठीक है भाई, डी, और ये है पाई स्टार ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है बेटा? Yes, sir. Don't be confused, ये याद रखने वाली चीज है, जिसमें कंफ्यूज मत होना, अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। यस, इन डायग्राम्स में क्लियर है सबको, कैसे हुई कहानी, क्या हुई? यस सर। अब yes, इसका रट्टा मारना है नोटबुक पे बना के, क्योंकि बच्चे बाद में भूल जाते हैं, मैंने इसीलिए बोला था कि आप भूल जाओगे और दोबारा बुक में पढ़ोगे ना तो बुक में नहीं समझ में आता है। तो आपको ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसको बना लो कहीं पे भी, या नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है, कभी भी मिस करते हो तो इसको याद रख लेना। बट प्रॉब्लम बना लिया, हाँ बेटा बना लिया, आप जैसे बना रहे थे जैसे जैसे वैसे ही बना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब एक और चीज बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली देखते ही चीजें याद हो जाती हैं, समझ में भी आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बाद में दिक्कत क्या आती है, 10 दिन बाद हमें याद नहीं रहता कि क्या था, समझ आ गया था बट याद नहीं रहता, तब हम उसको ढूंढने लगते हैं ना, तो ढूंढने में वो होती है प्रॉब्लम। तो ऐसी चीजें जो रेयर होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देता हूं, बुक का या नोटबुक का फ्रंट और लास्ट के दो पेज और फ्रंट के, उसमें रफ वर्क नहीं करता मैं कभी भी, बुक के ऊपर
लास्ट में या फ्रंट में दोनों जगह पर, इवन दोनों जगह पर दो दो पेज चिपका लो बुक में, पेज चिपका लिए, उन पेजेस को बुक का जितनी बाउंड्री है उसके अंदर अंदर, भले एक इंच छोटा काट दो उसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा छोटा काट दो पेज को, पेज को थोड़ा सा छोटा काट दो ताकि वो बुक में बंद करने पर बुक के अंदर फिट हो जाए, बुक के बराबर काटने की जरूरत नहीं है, वो कटता भी नहीं हमसे, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो थोड़ा सा छोटा काट दो और उसको चिपका लो और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, किस लेसन से है, कौन से पेज से है, कौन से लेक्चर से है, और उसमें कुछ है तो उसका डायग्राम भी साथ के साथ बना लो, ठीक है, ताकि जब भी आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन आए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, तो उसी टाइम वो डायग्राम वहां पर आप देख सको। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको? यस यस सर। ठीक है, इसका एक रिव्यू देता हूँ मैं, मेरी जो स्क्रीन है आप उसको, स्क्रीन को पिन कर लीजिए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, और आप लोगों को मैं एक बुक दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाउ टू मेक योर नोट्स, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ हाउ आई डिड स्टडी। जैसे यहां पर देखिए, मैंने यहाँ पर पेज नहीं चिपकाया हुआ, कुछ पेज चिपकाई हुई बुक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें मैं पेज भी चिपकाता हूँ, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से कैमरे के अंदर, ठीक है, ये दिख रहा है क्या कुछ? बिल्कुल इनविजिबल ही हो गया। हाँ, विजुअल इफेक्ट बंद करता हूँ एक बार, ठीक है, अभी आपको साफ दिखेगा। देखिए कैमरे के अंदर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है पता है? ये मैंने बुक के ऊपर देखो नीचे तक लिख रहे हैं, क्या है ये सब? ये सब R की वैल्यूज हैं, R की वैल्यूज, ठीक है, बुक के सबसे पीछे वाले पेज में। फ्रंट पेज पर भी इसी तरह से मैं पेज चिपका लेता हूँ फ्रंट पेज पे, और वो पेज चिपका हुआ अभी आपको दिखाता हूँ कैसे चिपकाया जाता है वो पेज और कैसे वर्क करती है चीजें, ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ के ना बेटर वर्क कर सकें थोड़ा खुद के लिए। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये BSc की बुक है, BSc की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, शायद उल्टा नजर आ रहा होगा सब कुछ ना, कैमरा उल्टा देता हो ना? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो पेज है ना, ये वाला पेज मेरा खुद का चिपकाया हुआ, पूरा A4 साइज का पेज था, A4 साइज, ठीक है, इसको फोल्ड किया बुक के अंदर चिपका लिया। अब ये बुक के साइज से क्या है, छोटा है, यहाँ ऊपर आपको नजर आ रहा होगा बुक के साइज के पेज से, बुक ऊपर वाला बुक का पेज देखिए, बुक के साइज से ये थोड़ा सा छोटा है, बुक के साइज से थोड़ा छोटा है, बाहर भी नहीं निकला तो इसको कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद यहां मैंने ऊपर कुछ लिख रखा है, देखिए ये क्या क्या लिख रखा है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, वैसे नहीं समझ में आएगा। काइरल कार्बन क्या होता है, एक काइरल कार्बन क्या होता है, कौन से पेज पर ये दिया गया है और कैसे दिया गया है। फर्दर पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सेप्शन दे रखा है पेज नंबर 89 पर, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये BSc में आता है। हम जनरली आपको ये बताते हैं पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है पेज नंबर 89 पे। व्हाई आई हैव राइट दैट एक्सेप्शन, मुझे पता है रेयरली ऐसी चीजें आती हैं, क्रैम करूं उसे या नोट्स में बना के लिखूं तो क्या करूं, मैंने क्या किया, सिंपल काम किया, क्या मैंने उसको बुक के ऊपर लिख लिया कि बुक के सबसे बाहर की, अगर मुझे इतना याद रहेगा कि BSc की बुक में, BSc कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर वॉल्यूम 1 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मुझे ये भी याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि कौन से लेसन में कौन से पेज पे है, मैं भूल सकता हूँ, तो मुझे बार बार ढूंढना पड़ेगा और ये बहुत रेयर चीज है और रेयरली इंसान कभी कभी यूज करता है तो भूल सकता है, तो इसलिए मैंने उसका पेज नंबर लिख लिया। समझ में आया कैसे नोट्स बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ये नोट्स नहीं है एक्चुअल में, ये वो चीज है जो हम रेयरली यूज करते हैं और भूल सकते हैं, तो उसको मैंने पेज नंबर लिख लिया, बात खत्म। बाकी सब चीजें तो अपने को आती है, पता है, ठीक है। सुपर एसिड मीडिया, H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक सुपर एसिड मीडिया होता है वो, इसी में लिखा हो, पेज नंबर 73 पर है वो, ठीक है। उसके बाद में कुछ और चीजें, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी कौन से उस पर है, एरीन्स क्या है, रीअरेंजमेंट्स कहां पर है इसके अंदर, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहां होता है, डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस पाई ऑर्बिटल पीपी ऑर्बिटल्स का होता है, डी ऑर्बिटल का भी रेजोनेंस होता है। अब ये एग्जाम्पल याद रखना, पर्टिकुलर एग्जाम्पल माइंड में रखना, स्लिप हो सकता है, अगर मेरे सामने हो तो मैं बना दूंगा रेजोनेंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एग्जाम्पल दीजिए आप, मैं आराम से बना सकता हूँ, बट क्या प्रॉब्लम है कि मेरे सामने अगर एग्जाम्पल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझको एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, फिर मैं कहूंगा ऐसे करके कुछ होता होगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टूडेंट को प्रॉब्लम। यहाँ मैंने लिख लिया पेज नंबर 453 के ऊपर है, ठीक है, ये तरीका है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं चीज बताता हूँ कि हाउ आई डू मार्क ऑन द बुक्स, तो बुक के ऊपर कैसे निशान लगाता हूँ, किस जगह पर क्या इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपको अगर ध्यान देंगे आप, इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये निशान लगे हुए मिलेंगे, दिख रहे हैं सभी को? यस सर, ठीक है, ये लाइन है, मतलब इतना ही मुझे पढ़ना है, मैं अपनी बुक्स किसी स्टूडेंट को नहीं देता, उसकी डिजिटल कॉपी दे सकता हूँ, अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए मैं उसको फोटोकॉपी के पैसे दे देता हूँ कि पैसे ले जा,
लेकिन बुक नहीं। क्यों? इन सभी बुक्स पर बहुत मेहनत करके एक एक बुक का एक एक पेज, बहुत सारे पेजेस हैं हर पेज पर। बीएससी के अंदर 9 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इतनी मोटी मोटी देख सकते हैं आप इसकी मोटाई। 9 बुक्स हैं, 9 की 9 बुक्स पढ़कर रीड करके हर बुक के हर पेज पर निशान लगाया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट है वहां इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन है उसको बाहर ही पेज के ऊपर एक्सेप्शन लिख रखा है। ऐसे रीड किया हुआ है पूरी बुक को मैंने। तो अगर मेरे पास ये बुक है तो मैं इसमें से कुछ भी आपको आसानी से बता सकता हूँ कि कौन सी चीज पढ़ने लायक है कौन सी नहीं। ये मेरे नोट्स हैं, सिंपल, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाइए, जो क्वेश्चन आपको लीग से हटके लगे, इंपॉर्टेंट लगे, थोड़ा दिमाग लगे, उसको भी इसी तरह से मेंशन कर लो सबसे फ्रंट में, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए बेटा? बस वो जो जनरल क्वेश्चन है उसको करते जाओ। जब रिविजन करोगे ना तो जनरल क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो कि चल ठीक है यार 5 क्वेश्चन कर लिए मेरे को आगे सारे, लेकिन जो एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है वो भूल सकते हो आप, उसको फिर वहां से चेक कीजिए कि कौन से पेज पर था, कहां था, उसको जरूर कीजिए, सब कुछ मुट्ठी में आ जाएगा। समझ गए कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? जनरली बच्चे ही बोलते, देखो पेज लास्ट में भी, मैंने एक पेज के ऊपर लास्ट में भी लिख रखा है, ये बुक का लास्ट है, इसी बुक का। समझ गए इस तरह से। अब मैंने क्या क्या रीड किया हुआ है बीएससी में, ये तो प्रदीप की बुक है बीएससी की, बीएससी की आर चांद की कंप्लीट बुक्स। आर चांद एक अलग ऑडिटर है, एडिटर है, ठीक है, राइटर, तो आर चांद राइटर कहूं या क्या बोलेंगे उसे, पब्लिशर, ठीक है, आर चांद पब्लिशर है, सारी वो बुक्स पढ़ रखी हैं बीएससी की, आर चांद की, प्रदीप की, इसके अलावा प्लस 1-2 की प्रदीप की, और साथ में क्या आता है वो मॉडर्न एबीसी, और मॉडर्न अकेला मॉडर्न नाम से, अब मॉडर्न की बुक आती है और मॉडर्न एबीसी भी आती है। ये सारी बुक्स के लगभग सारे पेजेस मैंने रीड कर, सारे के सारे पेज रीड कर रखे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक अलग मैटर है, थ्योरी की बात बता रहा हूँ, सब रीड कर रखा है मैंने। उसके अलावा बीएससी के अंदर आर चांद के अलावा एक और बुक आती है, ठीक है, तीसरे एडिटर की, तीसरा जो पब्लिशर है, 3 पब्लिशर की बीएससी की बुक अलग अलग पढ़ रखी है, सब पे मार्क लगा रखे। और उसके बाद फिर एमएससी के अंदर जो भी बुक्स, एमएससी में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स का नहीं होता है एक्चुअल में, वहां एक बुक में एक ही लेसन आपको मिलता है और उस लेसन के अंदर 5-4 पेज होते हैं जो आपके काम के होते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता एमएससी की मैंने सारी बुक पढ़ रखी है, ठीक है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि एमएससी के अंदर भी मैंने बुक पढ़ रखी है, ठीक है, बट सारी नहीं पढ़ी हो, क्योंकि सारी बुक पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, उसमें अपना सिलेबस ही नहीं होता, जितने की पढ़ सकते हैं जितना सिलेबस है सिर्फ उतना पढ़ाया है सारा। इस तरह से मार्किंग चलती है, आप रीडिंग करेंगे मजा आने लगेगा, यही जिंदगी नजर आएगी। पता है जब मैं इन बुक्स को जैसे आज अभी मैंने निकाली ना, तो मेरा मन इसको ऐसे दिल करता है कि यार हाँ इसको पढ़ूं मैं हर जगह पे। देखिए मार्क मैंने कैसे कैसे लगा रखे हैं, अगर आप ये देखेंगे डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ, देखो डायग्राम के ऊपर कैसे कैसे क्या क्या लिख रखा है, समझ में आ रहा है? मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है, क्या उसमें एडिट करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, वो सब कुछ डायग्राम के ऊपर, पेन से लिखा है सब कुछ, पेंसिल से मत लिखना। पेंसिल क्या होता है, जब पेज से पेज ऐसे रगड़ता है तो पेंसिल का सिक्का फैल जाता है, समझ रहे हो? अच्छे पेन से जिसकी इंक ना फैले, और बोल पेन से लिखिए, ठीक है, दूसरे पेन से नहीं, फाउंटेन पेन से मत लिखना, बोल पेन से जिसकी इंक ना फैले, दैट इज द थिंग बेटा। क्लियर है? कैसे नोट्स बनाता हूं मैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा, मैंने कभी नोट्स लिखे ही नहीं जिंदगी, बुक्स में मार्क किए, दैट्स इट। और एक चीज बताता हूं आपको, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, पहले मैं ऐसा करता था तो मुझे लगता था, बहुत से बच्चे मुझसे नोट्स पूछते हैं, सर नोट्स हैं क्या आपके पास, सर नोट्स हैं क्या? मैं बोलता था बेटा मैं तो बुक्स में से पढ़ाता हूँ सीधा, नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि यही मेरे नोट्स हैं। तो मुझे लगने लगा बीच में कि यार मैं गलत जा रहा हूं, सब मुझसे नोट्स पूछते हैं, क्या मैं गलत कर रहा हूं क्या? तब मैंने एक चीज देखी कि आइंस्टीन जो था किसी, उसके अंदर देखा मैंने कि आइंस्टीन की बुक्स पे रिसर्च हो रही, कि आइंस्टीन मार्क करके उन बुक्स पे कुछ लिख देता था अपने हिसाब से, उसको कन्वीनियंस करके, उस पर रिसर्च होती है, आज भी रिसर्च हो रही कि आइंस्टीन सोचता कैसे था, इस बात पे रिसर्च हो रही। तो आइंस्टीन भी बुक्स पे मार्क करके लिखा करता था, वो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स क्या होते हैं पता है, जब प्रैक्टिस कर लो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स होता है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे फॉर्मूला के नोट्स बना लिए सिर्फ आपने, सिर्फ फॉर्मूला निकाल के जो भी लेसन में यूज हुआ ना आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ, नोट्स भी जरूरी है लेकिन वो अलग लेवल है। रीडिंग लिटरेचर पढ़ते हो तब नोट्स नहीं, तब मार्क कीजिए, उसमें अपनी तरफ से कुछ कन्वीनियंस चीजें लिखिए, वो है रीडिंग। और नोट्स क्या होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपने फॉर्मूला सारा जिस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो उसको लिख लो, लिख लिया, दूसरा फॉर्मूला आया उसको फिर से लिख लो, तीसरा फॉर्मूला आया, इस तरह से फॉर्मूलाज के नोट्स बनाइए कि इस लेसन में 10 फॉर्मूले आ गए और ये 10 के 10 मैंने एक जगह पर इकट्ठे लिख रहे हैं, ताकि कल को जब आपको कहीं जाना है पेपर देने के लिए तो जस्ट उस नोटबुक को, छोटी सी नोटबुक उठाइए, फॉर्मूला रट्टा मारिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर रखे, प्रैक्टिस आपने कर रखी, फॉर्मूला रट्टा मारिए, निकलिए, बात खत्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नोट्स
फॉर्मूलाज के बनाए जाते हैं, समझ गए। अगर फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस नहीं की आपने तो सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, ये भी बता दो, समझ में आ गया होगा ना सबको, ठीक है। ये चीज होती है, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को कोई। मैंने अपना बिहेव बताया आपको, मुझे मुश्किल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, मैं उनको मतलब बहुत अच्छे से करता हूँ। आसान चीजें मुझे रद्दी लगती हैं, कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा जैसे सर कोई आता ही नहीं है मुझे, ठीक है, वो आसान चीज होगी तो मैं बोलूंगा ठीक है कर लो, अपने आप कर लो, ये ऐसे होता है, बात कर लो। जो मुश्किल चीज होगी मैं उसको थोड़ा डीपली लेता हूँ और उसको बेटरली करवाने की कोशिश करता हूँ। सबका अपना बिहेव है, कुछ लोग आसान चीजों को मतलब ज्यादा याद करते हैं और मुश्किल चीजों को छोड़ देते हैं, उनका मन नहीं करता, है ना। मेरे साथ उल्टा है, मेरा आसान चीजें पढ़ने का मन नहीं करता मेरा, सिंपल। नहीं बेटा, आइंस्टीन तो हमारे कहां, हम आइंस्टीन है, हमारी इतना लेवल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर ध्यान, तो पाई स्टार मेटल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डी फिल्ड डी ऑर्बिटल टू द वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज नोन एज बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट। ये याद रख लेना भाई, अभी आपको सिनर्जी की इफेक्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है? यस सर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बैक बॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। पहले डोनेशन की कार्बन ने, फिर बैक बॉन्डिंग हुई मेटल से, यही है सिनर्जी की इफेक्ट और यही है बैक बॉन्डिंग। बैक डोनेशन होती है, मेटल कार्बन को डोनेट करता है। एग्जाम्पल देखिए अब जरा, द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द एन आई सीओ फोर इज सिनर्जिक बॉन्ड, ये सिनर्जिस्टिक बॉन्ड होता है, इसमें होती है बैक बॉन्डिंग, याद रख लेना। क्या सभी में होती है? डिपेंड करता है किस मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दूसरा लिगेंड जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ये इतना सीधा नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा लिगेंड जुड़ा हुआ है और अगर वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं कर पाएगा फिर एक्सेप्ट, उसका एक्सेप्टेशन कम हो जाएगा, समझ लो मेरी बात। यस सर। इसको ऐसे लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेटल के साथ में फ्लोरीन जोड़ दिया, ये लो भाई, येलो फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीओ जोड़ दिया, अब सीओ की इतनी औकात नहीं है कि ये बैक बॉन्डिंग करवा सके, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन बैठा है, फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीनी जा रहा है, जिससे मेटल के क्या हो गया, ऑक्सीजन स्टेट हाई होगी, तो मेटल के पास में बी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए बचे ही नहीं है, या बचे हैं तो बहुत कम बचे हैं, इसकी वजह से सीओ बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा। सर फिर ये सीओ बॉन्ड बनाएगा क्यों, ये तो कार्बन से बढ़िया लगा। देखो मैंने कहा कि डोनेशन के लिए कम बचे हैं, मतलब मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, नो डाउट, उसके अंदर दो 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 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन को वापस उसके पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेशन दे देता है, बट क्योंकि उसके साथ में फ्लोरीन जैसे लिगेंड लगे हुए हैं, वो उससे वापस इलेक्ट्रॉन छीनते, तो मेटल बेचारा वापस छीन लेता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड भी खतरे वाला, वही ऑक्सीजन बन जाता है, मैं नहीं दूंगा, समझ गए। अब ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन तो वापस छीन लेगा, तो ये मेटल से वापस छीन रहा है, मेटल कार्बन से वापस छीन रहा है, अब कार्बन से वापस छीन रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन का मुंह देखना पड़ेगा, कार्बन ऐसा हो गया ना, इधर का रहा ना उधर का रहा, दो नाव में पैर रख रखा है बेचारे ने, है ना, दोनों डूबोएंगे इसको, वो कहता है मेरे को दे, वो कहता है मेरे को दे, तो इसलिए ये इफेक्ट, यानी इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड वीक हो जाता है, ये सिनर्जिक इफेक्ट लेस अमाउंट में दिखाएगा, तो लगभग ना के बराबर दिखाएगा, है ना, कुछ जो ज्यादा अमाउंट में दिखाते हैं वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो सब कुछ कहानी ना परसेंट करेक्टर पर है, कि किसमें सिनर्जिक इफेक्ट का पर करेक्टर कितना परसेंट है, जीरो नहीं है किसी में, ये बात समझ में आ गई प्रणव बेटा? यस सर। जीरो नहीं है लेकिन है, तो कितना है उस पर सारी चीजें कहानी, उस पर सारी चीजों की कहानी जो है वो अटकी हुई है, कि कितना परसेंट है, दैट इज इट। चलिए भाई, तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ये सिनर्जी की बॉन्ड दिखाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, निकल CO4, वही है, सॉरी, निकल इज प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट, ये हमें पता है निकल जीरो ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3d10 एंड 4s0, CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है, तो ये पेयरिंग करवा सकता है, ठीक है, तो इसमें कुछ कहानी तो नहीं है, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। Here, the hybridization of sp3 after the donation of the CO bond, metal ligand become electron rich and acquire negative charge. तो CO जब donate करता है तो metal पर negative charge आ जाता है और वहां से क्या होता है, fully filled inner d orbital जो है give the electron to the vacant anti-bonding orbital of the carbonyl group. तो ये कहानी इसने बता रखी है,
ये वाला पॉइंट आप जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर वही है, मेटल ने दिया और ये कार्बन, ये देखिए निकल का ये बॉन्ड दिखा रखा है जिसके पास में ये चार चार लोब हैं, चारों लोब एक ही ऑर्बिटल के हैं और इसमें से एक लोब के अंदर दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। आप किसी भी लोब में दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं या दोनों लोब्स में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। आप चारों में तो एक एक नहीं दिखा सकते, ये तो पक्का है, किसी भी दो लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही नजर आएगा या फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में। क्लियर है? यस सर। है ना, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन ही दो है तो फिर कम ज्यादा से ज्यादा दो लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कम से कम एक लोब में तो कहीं दिखा दो, कोई चक्कर नहीं, चारों लोब एक ही ऑर्बिटल के हैं तो कहीं भी दिखा सकते हो, इधर दिखाओ चाहे उधर। अब कई बार स्टूडेंट्स ये डाउट करते हैं, सर निकल का वो पीछे वाला लोब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्या? वहां भी जाता है, क्यों नहीं जाता, बट जो वो डोनेट हो जाएगा ना फिर नहीं जाएगा, फिर वो मेटल और कार्बन के बीच में घूमता रहेगा, फिर दूसरे वाले लोब खाली रहेंगे। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है ना, डोनेशन के बाद शेयरिंग के बाद कुछ अलग हो जाता है। द मेटल कार्बन बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ डी पाई। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये जो मेटल और कार्बन का पाई बॉन्ड बनता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ डी पाई पी पाई बैकबोन। देखो ये क्या था, अब ये चीज ध्यान देने वाली है, ये है डी ऑर्बिटल, यस यस सर, और दूसरा ये मेटल का क्या है, मेटल का तो पी ऑर्बिटल होगा ना, ये वाला पी ऑर्बिटल होगा जो इसके साथ में शेयरिंग करेगा, तो ये है पी ऑर्बिटल, लेकिन पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा डेफिनेट है, लेकिन ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग, ये याद रख लेना भाई, ये एंटीबॉन्डिंग पी ऑर्बिटल होता है और ये क्या करता है, पाई स्टार है साथ में, पी ऑर्बिटल पाई स्टार वाला पी ऑर्बिटल है, ये याद रख लेना, बट है तो पी, तो डी और पी बना रहे हैं पाई, तो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, दैट इज ऑल। क्लियर है? डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। अब यहां पर बैक बॉन्डिंग बता दो, क्या बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब मेटल से क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वरना, है ना, क्योंकि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल ने छीन लिया, तो मेटल से कार्बन वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसी को बोलते हैं, जो वापस ले रहा है ना इसी बॉन्ड को बोलते हैं, इसी बॉन्ड को हम बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। क्लियर है भाई, समझ में आ गया बेटा? yes, बस इतना याद कर लीजिए, बैक बॉन्डिंग यही है, ठीक है, दैट्स इट। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ये तो कम से कम आपको समझ में आएगा। और ये बैक बॉन्डिंग होती है, ये किसके बीच में होती है, बस ये ऑर्बिटल जरूर याद रखने हैं, डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है, और पी ऑर्बिटल ऑफ एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। ये कार्बन का है भाई, कार्बन पाई स्टार कार्बन का ऑर्बिटल है और ये मेटल का है, ठीक है, बस ये चीज जरूर याद रखिए। इतना अगर आप लिख देते हैं, ये वाला डायग्राम बना के जो इधर बना हुआ है, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव मत दिखाइएगा, वो आप डबल बॉन्ड डायरेक्ट दिखा सकते हैं, या मैं इसको करेक्ट कर दूं, क्या मैंने ये दोनों बॉन्ड बना दिए तो इसका पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पर दो लोन पेयर आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ओनली डबल बॉन्ड इज देयर, ठीक है बेटा? यस सर। और ये इसका पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह से सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, बस ये वाला डायग्राम बना दीजिए और ये चीजें जो मैंने लिखी हैं इतना भी लिख देंगे तो भी आपको आ जाएगा, सारा सही होगा, पीछे वाली सारी कहानी इसमें रिपीट हो जाएगी। बस मैंने क्या किया था, एक एक स्टेप बताया कि पहले ये जुड़ेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर कार्बन पॉजिटिव बनेगा, फिर ऑक्सीजन देगा, ऐसा करके उलट सुलट किया था हमने ना। डायरेक्ट लास्ट फाइनल आंसर लिख देंगे तब भी सही होगा, अगर ना समझ में आए तो, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं आई थिंक, है ना। ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लेंथ इंक्रीजेस। अब देखो भाई बैक बॉन्डिंग ने क्या किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? ध्यान देना भाई इस बात पे, पहले क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन में कभी कभार क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड, ये था नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड बनता था, ये वापस भी आ जाता था मानते हैं, लेकिन कभी कभी तो ट्रिपल बॉन्ड बनता था ना। यस सर, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो छोटी होती है। यस यस सर, लेकिन जब कार्बन ने मेटल को बॉन्ड दे दिया
तो क्या हुआ, इसने वापस छीन लिया और फिर इसने मेटल से वापस ले लिया, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब डबल बॉन्ड आ गया, जैसा कि मैंने ऊपर दिखा रखा है, देखो डबल बॉन्ड आ गया। यस यस सर। तो अगर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगी दादा, ज्यादा होगी, तो सीओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यस और नॉट? यस सर। सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एज, रीजन भी लिख रखा है, ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू डबल बॉन्ड। क्लियर है? पहले ट्रिपल बॉन्ड का करेक्टर था उसमें, चाहे कम था, हम कहें कि सर आप तो कह रहे थे कि इधर उधर भागते रहते हैं, बेशक तो कम था ट्रिपल बॉन्ड का करेक्टर, 100% नहीं था, मतलब 100% से कम था, लेकिन अब तो जीरो हो गया। क्लियर है ना? यस सर। कुछ होने से जीरो होना तो फिर फर्क तो पड़ेगा, तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बड़े काम की चीज है, याद रख लेना इसको, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीओ बॉन्ड गरीब बन गया क्या बेटा? मिडिल क्लास से सीधा का सीधा गोल्ड लाइन में चले गए। मुझे समझ नहीं आया बेटा क्या कहा आपने, सीधा सीधा? सर मैंने ये कहा मिडिल क्लास, जैसे पहले मिडिल क्लास थे और फिर अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब और भी ज्यादा गरीब हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा कह सकते हैं ना, तो भाई वापस बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस एज मेटल कार्बन बॉन्ड बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक ही बात है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है सीओ की, बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल था, ट्रिपल से डबल हो गया, है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, होमो स्टैंड फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ल्यूमो स्टैंड फॉर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी होमो और ल्यूमो क्या होते हैं, अब इसके बारे में पहले पढ़ा है क्या, होमोल्यूमो के बारे में बताइए, no, पहले पढ़ा किसी ने? No. नहीं no, चलो ठीक है, एमओटी नहीं की क्या आप लोगों ने, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी प्लस वन सर की थी, उसमें होमोल्यूमो आया था। चलो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, होमोल्यूमो देखिए क्या होता है, एमओटी बनाते हैं हम लोग, एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अंदर मैं सिर्फ पी ऑर्बिटल बना रहा हूँ भाई। ठीक है, सिर्फ पी, वो 1s और 2s वाले नहीं बना रहा, सीधा 2p बना रहा हूं। ठीक है, p ऑर्बिटल के अंदर सपोज दैट देयर आर, कितने इलेक्ट्रॉन्स लें, चलो रैंडमली कुछ भी उठा लेते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के पास में, तो 1s2 2s2 और 2p3 कौन सा है भैया, 2, 2, 4 और 3, 7 नाइट्रोजन है। यस सर, नाइट्रोजन है ये। ठीक है, यहां पर भी नाइट्रोजन का एटम है, दो नाइट्रोजन के एटम है, तो ये दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दी मैंने, 1s2 2s2 को छोड़ दिया, वो तो कोई कंट्रीब्यूशन करते नहीं है, तो सीधा 2p लिख दिया इसका, 2p में 3 है, यहां भी 2p में 3 है। ठीक है बेटा? यस सर। और रुकिए, इसको यहां 2p लिखता हूं, है ना, 2p, ये भी 2p है। अब आगे देखिए जरा, होगा क्या, कोई बताएगा मेरे को कैसे होती है इसके अंदर बॉन्डिंग? नाइट्रोजन सर 2-1-2-1 होती है इसमें, 7 × 2 = 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 तक या 14 से अबव, अंडर 14 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं सर, पहले दो आते हैं, उसके बाद एक आता है, फिर दो आता है, फिर एक आता है, पहले पाई बनेगा, है ना? यस सर। यस सर। सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, फिर से क्या होगा, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। से 2px और 2py, ये 2px 2py वाले ऑर्बिटल हैं और ये 2pz वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये 2px और 2py, लेकिन ये सर 2p स्टार होंगे, हाँ स्टार वाले होंगे, है ना, ये स्टार वाले ऑर्बिटल हो जाएंगे, और ये 2pz ये भी स्टार वाला ऑर्बिटल होगा, है ना, तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएंगे, पाई बॉन्ड, पाई स्टार और पाई सिग्मा स्टार, है ना, ये सिग्मा स्टार है, ये पाई ऑर्बिटल्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और ये भी सिग्मा है, नॉर्मल सिग्मा, सिग्मा और ये पाई है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पर इन दोनों को बस ऐसे करके जोड़ देते होते हैं। ठीक है, कैसे भी एनर्जी को जोड़ लीजिए, जोड़ने की जगह ही नहीं बची। चलो बिना जोड़े समझ जाओगे आप लोग, है ना, समझ सकते हो? यस सर। उसको समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो देखिए अब होता क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मुझे क्या करना है, 2, 4, 5, 6 ट्रिपल बॉन्ड बन गया सारे के सारे। यस सर, है ना। तो ये एमओटी के अंदर हम क्या बताते हैं, अब आप अगर आपको ये करना हो, हाईएस्ट होमो, होमो का मतलब क्या है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल,
होमो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, मोलिक्यूल के अंदर, मोलिक्यूल तो बीच वाले हैं, ये वाले मोलिक्यूल है ना, मोलिक्यूल को तो ये रिप्रेजेंट करेंगे NO2 के मोलिक्यूल को, है ना? यस सर, ये क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ MOT नीचे लिख देते हैं, इसका मतलब कि मैं अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है बताओ मुझे, जो ऑक्यूपाइड भरा हुआ है, 2PZ, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है। यस, क्लियर है भाई? यस सर। अब ल्यूमो देखो, ल्यूमो बताओ कौन सा होगा, L2PZ कैसे हो गया, क्या क्या बेटा दोबारा पूछिए, 2PZ कैसे हो गया, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, 2PZ, हाँ दो इलेक्ट्रॉन है। देखो इसका मतलब सुनिए ना, हाईएस्ट सबसे ऊपर वाला ऑक्यूपाइड जो भरा हुआ हो, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मोलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे, हाईएस्ट है मतलब सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल जो भरा हुआ हो, तो सबसे ऊपर तो ये, उससे ऊपर देखोगे 2P*2PX*2PY और *2PZ ऑर्बिटल, ये तो सारे खाली है, भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है, समझ गए? है ना, क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ल्यूमो कौन सा है, ल्यूमो का मतलब लोएस्ट, सबसे नीचे वाला, जो अनऑक्यूपाइड हो, जो खाली हो, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एंड स्टार्ट टू बी, ये वाले दो हैं, देखो भाई ये वाले दो दिख रहे हैं, Yes, खाली है, yes, और सबसे सबसे नीचे वाला खाली, सबसे ऊपर वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला 2PZ है, सबसे नीचे वाला खाली ऑर्बिटल कौन सा है, तो भरे से जो ऊपर है वही सबसे नीचे होगा ना खाली में, तो यस सर, समझ गए? तो ये सबसे ल्यूमो और होमो ये होते हैं, बस इतना ही है ल्यूमो होमो। फुल फॉर्म देखिए, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ही ये भरे जाएंगे, क्योंकि मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ही होते हैं होमो ल्यूमो, वरना ये नॉर्मली तो आपको काम आएंगे नहीं, एटम में नहीं होते, मोलिक्यूल में होते हैं। सबसे ऊपर जो भरा हुआ है, मतलब टॉप वाला हाईएस्ट एनर्जी जो भरा है, और लोएस्ट एनर्जी जो खाली है, या फिर ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वाला लोएस्ट एनर्जी भी होगा, याद रखना, और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला हाईएस्ट एनर्जी जो भरा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी हो ना तो आप उसको भरा मानोगे, उसको खाली मत मान लेना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है एक, समझ रहे हो? यस सर। है ना, तो एक भी है तो भी आप उसे भरा ही मानोगे। तो ये है होमो ल्यूमो, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर मुझे मत्था नहीं मारना पड़ेगा ना, होमो स्टैंड फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो यहाँ मैं फुल फॉर्म को अंडरलाइन कर देता हूँ, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी किसी को मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ना आती हो, सिर्फ इतना वाला डायग्राम याद कर लेना, ये नाइट्रोजन के लिए है ये डायग्राम स्पेशली, ठीक है? और अगर किसी और एटम के लिए बनाते हैं जिसका 14 से ज्यादा नंबर होता है, तो ये वाले जो दो ऑर्बिटल है ना बेटा, सिर्फ ये वाले, बाकी नहीं, इन दोनों को फ्लिप कर दो, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, पहले सिग्मा बॉन्ड बाद में पाई, जनरली यही होता है, पहले क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो 14 से ऊपर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं सब में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, 14 से नीचे वालों में सब में पहले पाई बॉन्ड बनता है। ये कैसे होता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, बनता तो पहले सिग्मा ही है बट पाई की एनर्जी लो हो जाती है, बस इतना रीजन है, ठीक है? दैट इज इट, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो सिर्फ इसको याद करने से आपकी MOT भी आपको आ जाएगी, नो वरी, लेकिन इसको फिर थोड़ा ना, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्गली रट्टा मारना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गली, और फिर इसको सामने रखो, जब भी MOT आए इसको सामने रखो कि आपने ये याद किया था, फिर उसका डायग्राम देखो, फिर थोड़ा कंपेयर करो, 10 मिनट मत्था मारना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा वो कि वो क्या है, सिर्फ इतने से, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई तो डेफिनेट सी बात है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, यही एक वजह होती है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो ये डायग्राम सीधा ही आपको समझ आएगा, और कोई भी MOT आप बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर आपको इसको याद करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्गली याद रखना पड़ेगा, और जब भी कोई दूसरा डायग्राम ऐसा आता है तो आपको इसे रेफरेंस, एज ए रेफरेंस लेके, फिर इसमें जो जो स्टेप किए गए हैं वही वही स्टेप उसमें आपको देखने हैं कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं, समझना पड़ेगा, और फिर वो हो जाएगा, समझ गए? इस वजह से पेपर में टाइम लगता है कि हम एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बैठ जाते हैं, हमें लगता है हमें फॉर्मूला आता है, तो हम फॉर्मूले में देखते हैं, अच्छा ये वैल्यू दी हुई है, अच्छा ये वैल्यू कहाँ दी है, कहाँ दी है, उसको ढूंढते रहते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन लगाता है टाइम लग गया, तो फिर माइंड में होती टेंशन, माइंड में टेंशन होगी तो फिर दिल घबराएगा, जो क्वेश्चन आता है वो भी नहीं कर पाओगे, एंड लास्टली रिजल्ट खराब आएगा, फिर आपको लगेगा हमें तो कुछ भी नहीं आता, जो आता है वो भी ऐसे लगेगा जैसे नहीं आता, ये वजह होती है। मेरा एक डाउट है, लॉस ऑफ प्रैक्टिस। यस बेटा जी, मैंने कहीं MOT का ये वाला जो था 14 इलेक्ट्रॉन वाला था, उसमें पढ़ा था कि 2PZ जो था ना,
ये नीचे था और ये 2px और 2py ऊपर थे और वहीं पे 2p स्टार डैश था ना वो भी नीचे था और 2p स्टार y और स्टार वो भी ऊपर स्टार जेड नीचे देखो बेटा पहली बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं तो कि 2p स्टार जेड तो नीचे होता ही नहीं है बिल्कुल गलत पढ़ा है आपने वो तो हो ही नहीं सकता ठीक है वो तो आपको मिसिंग हो रही है हाँ ये अगर मैं हो सकता मेरे को 14 वाले पर हो सकता थोड़ा बहुत डाउट हो मुझे भी कई बार लगता 14 क्योंकि वो बॉर्डर लाइन का है ना 14 से नीचे वाले थे और 14 से ऊपर वाले थे वो क्या था और 14 वालों का क्या होता शायद उसमें कुछ डाउट हो सकता तो एक मिनट सर 16 वाले में था क्या बेटा 16 इलेक्ट्रॉन में था ना एक मिनट रुके 14 सर 14 का यही होता है जहां तक पढ़ा था सही है Yes, पढ़ा लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लूं मुझे भी 14 इलेक्ट्रॉन एक मिनट रुक जाइए बिल्कुल 100% डैम श्योर कर देता हूं ताकि बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन रहने ही नहीं चाहिए बेटा सीधी सी बात ये ठीक है ये किसका इलेक्ट्रॉन दे रखा अब ये नहीं पता है डायग्राम आया मेरे पास इंटरनेट से ठीक है एनर्जी लेवल डायग्राम 1212 क्या बेटा सर मैंने एक तरीके से याद किया ना 1212 1221 तो 1 2 2 और 1 2 ऐसे याद करो चलो आपने याद किया होगा आपका मेथड मुझे नहीं खैर ज्यादा पता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा ठीक है वो हम भी डिस्कस कर सकते हैं एक मिनट रुक जाइए बस मेरे को कोई डायग्राम देख लेने दीजिए कि किसमें क्या हो रहा है 3 और 3 ठीक है बेटा नाइट्रोजन केस में मैंने बिल्कुल सही बनाया मेरा डाउट नहीं है मैंने एकदम सही बनाया आपको मेरी गलती हो आपकी गलतफहमी मैंने चेक कर लिया बिल्कुल सही है ये और एक चीज बता देता हूँ मुझे इसमें डाउट था नीचे वाले में क्योंकि ये तो मैं गलत नहीं बना रहा क्योंकि वो बॉर्डर लाइन का था ना 14 से ऊपर वालों में तो ये उल्टा बनेगा पक्का 14 से नीचे वालों में ऐसा ही बनेगा ये भी पक्का लेकिन 14 वालों में मुझे कई बार लगता है कि कई दिन हो जाते हैं ना करवाए को तो लगता है कि जैसे एक साल हो चुका है इसे करवाए को है ना एमओटी प्लस वन में अभी तक आई नहीं है तो उनको करवाया नहीं है तो जैसे उनको करवाएंगे सामने आएगा तो याद हो जाएगा बट एटलीस्ट मुझे याद था कि ऐसा होता है बट कई बार बच्चे जब डाउट क्लियर करते हैं तो फिर मैं उसको क्लियर करके ही सही बोलता हूँ अपनी तरफ से जब तक मुझे डाउट हो तो मैं नहीं बोलूंगा है ना तो एक मिनट रुकिए बेटा कन्हैया सर का फोन आ रहा है आई थिंक तो चलिए ये मतलब बिल्कुल सही है आपको अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बेटा सर हाँ बेटा सर ये होमोल्यूमो वाला आप नोट्स में भी डाल देना प्लीज ये नोट्स में ही है बेटा ये आपको यूं का यूं नोट्स में मिलेगा मैं इसी को नोट्स बना के आपके उसमें डालता हूँ ठीक है सर उसको रब नहीं कर रहा तो ये आपको वही मिलेगा नो वरी ठीक है अब आगे देखिए लोएस्ट ल्यूमो का मतलब होता है भाई ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट खाली लोएस्ट जो सबसे नीचे एनर्जी में और खाली है और हाईएस्ट सबसे ऊपर एनर्जी में है और भरा हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए होमो इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एमओ भाई रुकिए मेरा कॉल आ रहा है कन्हैया सर का शायद उनको कोई जरूरी काम हो सकता है ना ठीक है अभी आगे बढ़ सकते हैं बेटा अब यस सर ठीक है तो देखिए होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनी इलेक्ट्रॉन इन इट सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस तो देखो होमो ही है मान लो कि इसे डोनेट करनी है मेटल के मान लो मैंने ये मेटल ये तो नाइट्रोजन का बना दिया सपोज दैट मेटल है तो मेटल का जो सबसे ज्यादा ऊपर एनर्जी में होगा और भरा हुआ होगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो ही नहीं सकते ना जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला भरा हुआ ऑर्बिटल वही तो डोनेट करेगा यस यस सर और ल्यूमो का क्या केस है कार्बन जो है वो अपना लोन पेयर जिसको डोनेट करेगा किसे डोनेट करेगा जो खाली है मेटल का और सबसे लोएस्ट एनर्जी में खाली है उसे करेगा ना
यस है ना, सब हाईएस्ट एनर्जी वाले खाली को तो फिर तो वो बाहर ही कर देगा, जरूरत ही नहीं है मेटल को, मतलब वो कह दे कि तू बाहर ही ठीक है, सबसे बाहर वाले को कर दे कि मैंने तो कर दिया डोनेट, सबसे अंदर वाले को जो खाली ऑर्बिटल उसको डोनेट करेगा कार्बन, और कार्बन लेगा किससे, सबसे ऊपर वाला जो भरा हुआ है, कार्बन का भी तो सबसे ऊपर वाला भरा हुआ ही जाएगा ना, ऑब्वियस है। यस क्लियर है ये बात? यस सर बिल्कुल सिंपल वैसा ही है ये, नो वरी अबाउट दिस। तो ये वही चीज सिंपल लाइन लिख रखी है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, और होमोल्यूमो क्लियर है। तो द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज वैकेंट इन सीओ एंड इट्स फॉर्मड बाय द अपोजिट ओवरलैपिंग। देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है भाई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, वैकेंट होता है ये, एंटी बॉन्डिंग सारे वैकेंट ही है, क्योंकि कार्बन में अगर आप एमओटी देखोगे कार्बन की, तो सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग ही बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले सारे खाली रहते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली लायक है, ठीक है, हम यहाँ पर ये देखो मैंने ये क्या दिखाया है, येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये देखो मैंने एंटी बॉन्डिंग दिखाए ना, ये सारे दिख रहे हैं। यस यस। आप क्या कभी आप जब बॉन्ड बनाते हो तो नॉर्मली बॉन्ड बनाते टाइम कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहे हो, एसिटाइलिन अगर ये इथाइलिन अगर गैस बना रहे हो एसिटाइलिन, तब भी आप कभी एंटी बॉन्डिंग दिखाते हो? नहीं, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड बॉन्डिंग में बन रहे हैं, चौथा बॉन्ड भी बॉन्डिंग में बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बॉन्ड बनता ही नहीं है। That is the first bond in your life कह सकते हो, या in chemistry history कह सकते हो, आपके लिए ये synergic bond जो है ये first bond है जो anti-bonding molecular orbital में बनता है। मैं इसे ऐसे दिखा सकता था, अब ये ध्यान देने वाली बात है, मैं इसे ऐसे दिखा सकता था कि metal बना रही है double bond carbon के साथ, carbon बना रहा है double bond oxygen के साथ, कोई डाउट है क्या? कार्बन चार बॉन्ड बनाता है बिल्कुल, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है बिल्कुल, सबके सारे वैलेंसियां पूरी है, मेटल की जितनी भी हो, मेटल की तो वेरियस करती है, तो इसकी दो है यहां मान लेते हैं, तो कोई डाउट है बिल्कुल सही बॉन्ड है कि नहीं है? यस सर। लेकिन ऐसा बॉन्ड नहीं बनता, पर आप कहेंगे मैंने वो सामने तो वही बना रखा है, वहां मैंने लिखा पहले कार्बन डोनेट कर रहा है फिर मेटल डोनेट कर रहा है, वो भी एंटी बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग सिनर्जी इफेक्ट, एंटी बॉन्डिंग कार्बन में, बॉन्डिंग में नहीं, बॉन्डिंग तो खाली पड़ा है उसका, समझ में आया? यस सर। कार्बन का खाली रह जाता है, क्यों? ये बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, अब मान लो कि इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं इसको, कि मान लीजिए ये मेटल है, कार्बन ने अपना ये बॉन्डिंग वाला, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग में थे, सपोज दैट वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसके बाद इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रखा है, इसके साथ तो कोई रोला नहीं है इसका, तो अब क्या हुआ, ये वाला ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, पी ऑर्बिटल ये जो चार बॉन्ड बनाता होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, या आप यूं समझ लो, कोई इसमें भी डाउट नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अब मैंने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब कर दिया, ठीक है, मतलब एक पी ऑर्बिटल से गायब हो गया, और वो मेटल को भेज दिया, येलो जी मेटल को भेज दिया, दोनों के ऑर्बिटल हो गए शेयर। तो अब ये वाला ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल खाली है, एक बॉन्ड बन चुका है डोनेशन से, इसी का इलेक्ट्रॉन वहां गया था। अब कार्बन के पास इसमें नहीं आता, डी ऑर्बिटल इसमें शेयर नहीं करता, ये वाला पी ऑर्बिटल ऐसे बना लो, भले थोड़ा लोब टेढ़े कर देते हैं आप, है ना, ये पी ऑर्बिटल नीचे और ऊपर, ये वाला लोब इसमें नहीं आता कार्बन का बॉन्ड, तो कहां आता है? वो एंटी बॉन्डिंग एक और ऑर्बिटल है जो कभी आपको दिखाया ही नहीं जाता, जो कभी आपको शो ही नहीं होता, उस एंटी बॉन्डिंग में मेटल जो है वो कार्बन को डोनेट करता है। ये बात समझ में आई? जो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम में आपने आज तक नहीं देखा, बस एमओटी में पढ़ा था, जस्ट पढ़ा था, लिखा हुआ जैसा कि मैंने यहां लिख दिया कि ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल है, बट ये हमेशा एटम में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा होते हैं, बट हम इनको कभी दिखाते नहीं। अब पहली बार आपके सामने ये हो रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कार्बन इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन। यस, ये बात समझ में आई सभी को? सर सर, जब मेटल जो है वो कार्बन को नॉर्मल ऑर्बिटल में दे सकता है, तो एंटी बॉन्डिंग में क्यों देता है फिर? नॉर्मल में नहीं देता ना बेटा, क्यों नहीं देता? ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, सीध में नहीं है उसके ऑर्बिटल, वो वाला पी ऑर्बिटल। ओके सर, ठीक है, डायरेक्शन में नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ना विद मेटल। मेटल के पास है डी, कार्बन के पास है पी, सीधी सीधी बात बनती नहीं है। पहला तो पी जुड़ गया, एक पी तो जुड़ लिया उसने, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली पी ऑर्बिटल से, दूसरा पी 90 के एंगल पर होता है, और मेटल वाले तो थोड़े टेढ़े होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले भी वैसे ही टेढ़े होते हैं, समझ गए? वो ऐसे नहीं होता, ऐसे और ऐसे का कैसे बॉन्डिंग बनेगी, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ऐसे और ऐसे की बन जाती है, तो ओवरलैपिंग तो होनी चाहिए, इस वजह से ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, तो ये रट्टा मारना पड़ेगा भाई, ये इसी में जाता है, बात ही खत्म, ठीक है? यस सर।
अब आगे बढ़ते हैं, एंटीमोनिंग ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल सीओ फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिट ओवरलैपिंग नोन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो है ना, ये भी एक कमाल की बात है, ऑपोजिट ओवरलैपिंग से बनता है ये, ठीक है। अपोजिट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर वेव जो है वो क्या हो जाती है, खत्म करती है एक दूसरे को। एंटी बॉन्डिंग तो वही होती है ना, खत्म करते हैं एक दूसरे को। यस सर, पता है वेव नेचर को खत्म कर, इलेक्ट्रॉनिक वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है, तो वेव बॉन्ड बना रही है, तो वेव क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव कब होती है, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, कंस्ट्रक्टिव कब होती है, जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग है ना। तो ऐसा होता है, दैट इज द रीजन, यहाँ पर वो रीजन है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वाला इंटरफेरेंस है, ना कि कंस्ट्रक्टिव वाला, ये बात ध्यान देने वाली। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बट फिर भी ये बॉन्ड बना रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव वाला बॉन्ड को खराब ही करेगा। आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पर इन्होंने वही दिखाया, मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास में, और कार्बन का सॉरी खाली ऑर्बिटल है, मेटल इसको वापस डोनेट कर रहा है, कार्बन ने इधर से डोनेट किया। नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कार्बन के जो ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं, बस कुछ नहीं इस डायग्राम में, नथिंग। नेक्स्ट देखिए, इन द वीबीटी द बॉन्डिंग इज नोन एज द बैग बॉन्डिंग, वेयर एज इन एमओटी इट इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर इसको बैग बॉन्डिंग बोलते हैं, जबकि एमओटी में इसको सिनर्जिक, एमओटी के अंदर इसको सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। तो याद रखना, दोनों के अलग अलग नाम है, अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से, दैट इज व्हाई। क्लियर है बेटा? यस सर। पीछे वाला पूरा पेज लाल हो चुका है, तो सोच सकते हो मैंने क्यों कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा नहीं है, हर लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको हर लाइन आनी चाहिए, बना बना के देखिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बात एक ही है, वही मतलब बॉटम लाइन एक ही है, तो सिनर्जिक बॉन्ड मेटल और कार्बन का पाई बॉन्ड बनता है, यही सिनर्जिक बॉन्ड होता है। ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड ब्लू लाइन से दिखा रखा है, और ये जो टेढ़े ऐसे दिखा रखे हैं लोब, तो ये एंटी बॉन्डिंग है कार्बन के, और ये दोनों का कलर अलग अलग क्यों है, तो एक मतलब पॉजिटिव लोब, एक नेगेटिव लोब, कुछ इस तरह से दिखा रखा है इन्होंने। और यहाँ मेटल के साथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिखाना चाहिए, ना कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई, तो ये भी याद रख लेना। और इसका यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग नहीं है, याद रख लेना, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। तो नो वरी अबाउट दिस, द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये सिनर्जिक बॉन्ड के डेफिनेशन, द पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड बाय द बैक डोनेशन ऑफ मेटल आयन नोन एज सिनर्जिक बॉन्ड। तो ये हमें पता है सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ये एक इंपॉर्टेंट है, इट स्ट्रेंथन, ये स्ट्रेंथ देता है बॉन्ड को बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन, मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बीच में, एंड वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। वो ट्रिपल था ना पहले, अब डबल हो गया। यस सर, यस सर, ठीक है। तो यही चीज बेटर है, ठीक है, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, द सिनर्जिक इफेक्ट ड्यू टू ए सेल्फ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, ये सेल्फ स्ट्रेंथनिंग है ना, खुद को ही डबल बॉन्ड बना के स्ट्रेंथ दे रहा हो, है ना, विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल टू लिगेंड। तो यहां देखो, मेटल से लिगेंड में ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड के पास जा रहे हैं। मेटल किसको डोनेट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, लिगेंड है। एंड मेटल फिल्ड ऑर्बिटल टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, और मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है। बार बार एक ही बात, सारी लाइनों में वही बातें बता रहे हैं, समझ में आपको सीधा डायग्राम से आ गया होगा, कुछ भी ना पढ़े, सीधा जो मैंने बताया सिर्फ उसका डायग्राम बना ले, और जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा है सिर्फ उस इंपॉर्टेंट को याद कर लीजिए। अंडरलाइन मैंने सारों को किया ताकि बार बार आपके दिमाग में वो बात आए जब भी पढ़े इसको। क्लियर है बेटा? नोट, यस सर। सीओ इज नॉन क्लासिकल लिगेंड, तो ये नॉन क्लासिकल लिगेंड होता है भाई। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है जरा उसको देखते हैं, ठीक है। नॉन क्लासिकल लिगेंड, दोज लिगेंड विच नॉट ओनली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द सेंट्रल एटम। बात वही बार बार बोलेगा, लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल, समझ में आ गया। एक ही बात को बस नाम अलग अलग कर करके बता रखे हैं। अब मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वाई, बिकॉज ये एक नई डेफिनेशन है नॉन क्लासिकल लिगेंड, ठीक है। ओनली, नॉट ओनली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो एक्सेप्ट electrons cloud from the central atom ion, ठीक है, they are low lying vacant orbital, low से ही करेगा obvious है। The pi acceptor ligand are special class of ligand, pi acceptor क्या होते हैं भाई, pi acceptor ligand, carbon monoxide ने क्या किया, metal से double bond, pi bond बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, ये sigma bond था, और ये pi bond बनाया, pi bond,
तो पाई बॉन्ड, और वो भी एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मेटल से कार्बन ने, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो सीओ क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। समझ में आ गया भाई? पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं? यस सर, लिगेंड आर स्पेशल क्लास ऑफ लिगेंड व्हिच कंटेन पाई बॉन्ड्स एंड एंटी बॉन्डिंग टाइप पाई ऑर्बिटल इन दीस लिगेंड्स आर वैकेंट। एंटी बॉन्डिंग में जाता है उसमें, ये भी याद रख लेना, सभी में एंटी बॉन्डिंग में जाता है, सीधा नहीं जाता। टिपिकली ऑल पाई एक्सेप्टर लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये भी एक कमाल की बात है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। क्यों भाई? डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सिनर्जी की इफेक्ट दिखाएंगे तो सर स्ट्रॉन्ग होएंगे कि नहीं होएंगे? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो आप लोगों की क्लास है क्या नेक्स्ट अभी? है ना? नो सर। नहीं है? चलो मेरी एक क्लास है, मैं जरा उसको स्टार्ट कर दूं, उसके बाद में आपसे 5 मिनट और बात कर लेते हैं। नो वरी। 11th का 5th लेक्चर। आज की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा बेटा, क्योंकि मेरे पास अटेंडेंस शीट में ना अपडेशन नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। 4 दिन लगातार अटेंडेंस लगती है, उसके बाद में वो अटेंडेंस शीट अपडेट नहीं हो पाती। बोलते हैं है ना बैकएंड टीम से, अटेंडेंस शीट अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसी में थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। देखिए, कैन यू प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड आफ्टर बैक बॉन्डिंग? बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं? डबल बॉन्ड हो जाएगा, बात खत्म, है ना, बैक बॉन्डिंग के बाद। बिकॉज़ यस इलेक्ट्रॉन इन द पाई स्टार ऑर्बिटल, सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, सीओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, हम पहले कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं मैं इसको मार्क भी करूं। स्ट्रॉन्गर विल बी द सिनर्जिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, वीकर। ये याद रखना, ये क्यों कहा इसने स्ट्रॉन्गर, मतलब ये इफेक्ट ना परमानेंट नहीं होता, कभी कभी उल्टा हो जाता है। मेटल ही अगर डोनेट ना करना चाहे, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इस वजह से वीकर विल बी द लिगेंड, तो लिगेंड वीक हो जाता है, और सीओ बॉन्ड की जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ ये डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यानी कि अगर बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉन्ड बनने के बाद में वो परफेक्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। मतलब वो वापिस, मेटल भी वापिस ले सकता है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन वापिस ले सकता है, और अगर इसने वापिस ले लिया तो ये फिर ऑक्सीजन से वापिस लेगा, और फिर से वो मेटल से लेगा, फिर से ऑक्सीजन वापिस लेगा, ऐसे इनमें चलता रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मेटल की डोनेशन पावर कितनी है, क्या उसके साथ वो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में हो या लो ऑक्सीजन स्टेट में हो, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और उसके साथ लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग ना लगे। ठीक है, वीक जो लिगेंड हो, मतलब अट्रैक्शन वाले, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ना करते हो, दैट इज इट भाई। यहां तक मैं क्वेश्चन नंबर यहां तक करवाने वाला हूं, क्वेश्चन से पहले पहले, ठीक है बेटा, ताकि मेरा कम से कम ये सीओ पूरा हो जाए, और सीओ ही पूरा होगा तो वो भी काफी, आज समझ लीजिए। मोर इलेक्ट्रॉन रिच मेटल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होते हैं मेटल के पास, लोअर ऑक्सीजन स्टेट, ये मैं बोल रहा था कि मेटल लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको यहां नहीं, यहां मार्क करते हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रख लेना। लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए मेटल, मोर डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू लिगेंड, मोर इंक्रीज द सीओ बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, एज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। अब ये देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है मेटल की, तो बैक बॉन्डिंग भी डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं कि बैक बॉन्डिंग जीरो ही हो जाएगी, बट वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बैक बॉन्डिंग बताइए किसमें ज्यादा है, तो आप कैसे पता करेंगे बैक बॉन्डिंग किसके अंदर ज्यादा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इज हायर, देन बैक बॉन्डिंग विल बी लेसर, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर, देन बैक बॉन्डिंग विल बी हायर, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, किसी का डाउट है तो डाउट बताइए बेटा, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से